नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि ये अर्णब गोस्वामी को दबाने के लिए पूरी कोशिश की महाराष्ट्र सरकार ने, इन्होंने असेंबली के थ्रू इनके लिए प्रिविलेज मोशन कर दिया, कहा 10 मिनट में हाजिर हो, नहीं तो क्या थी इनकी साजिश। ऑब्वियसली बात है 10 मिनट में हाजिर नहीं हो सकते, तो इनको कह के मुंबई पुलिस के द्वारा जेल में डलवा देते। लेकिन अर्णब गोस्वामी हारने वालों में से नहीं है, दबने वालों में से नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए इनके खिलाफ। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ये प्रिविलेज मोशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक तरह की आप मान के चलो कैसे कोई आवाज उठा रहा है सरकार के खिलाफ, उसको दबाने का एक बहुत ही अच्छा हथियार है इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास। क्योंकि इसके बाद जब ये निर्णय सुनाएंगे तो भाई कोर्ट से भी नहीं दखल हो सकती। तो ये एक गलत तरीका है कि कैसे किसी की आवाज को दबा दिया जाए। तो इन्होंने अर्णब गोस्वामी की आवाज को दबाने की कोशिश कर दी है, और अर्णब गोस्वामी पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, तो भैया अब इनको डर लगने लगा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो फिर क्या होगा। तो अब यहां पे आप इस चीज को समझ गए, ये परमबीर सिंह जी को लाते हैं। ये परमबीर सिंह जी कौन है? आईपीएस है, मुंबई के, अभी आप समझ के चलो पुलिस कमिश्नर हैं, सारी चीजें देखते हैं, सारे लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं वहां पे। और ये व्यक्ति अगर ऐसी चीज करने पे आ जाते हैं कि अर्णब गोस्वामी के खिलाफ झूठा आरोप लगाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई ये फेक टीआरपी में लिप्त है, इन्होंने बहुत अच्छे से किया, इंडिया टुडे का एफआईआर में नाम था, उनका नाम नहीं लेते हैं, अर्णब गोस्वामी को टारगेट करते हैं ये। लेकिन क्या होता है, अर्णब गोस्वामी पूरा पोल खोल देता है, भैया किसके ऊपर नाम है। फिर उसके बाद ये मुंबई पुलिस वाले इनके सीईओ रिपब्लिक के इन सबको समन करते हैं, सबसे यही जानने की कोशिश करते हैं एफआईआर की कॉपी आपके हाथ कैसे लगी। लेकिन अर्णब गोस्वामी चैलेंज दे देते हैं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं आपके हाथ लगने दूंगा। इनका मतलब आप समझ रहे हो, ये कितने बौखला जाती है मुंबई पुलिस, कितना डर जाती है अर्णब गोस्वामी के सामने, क्योंकि ये जस्टिस फॉर एसएसआर की आवाज उठाते हैं, क्योंकि ये भारत की आवाज बनते हैं, जो भारत चाह रहा है वो आवाज बन के ही आगे लड़ते हैं। तो इनको डर लगने लगता है, भैया हर हथखंडे अपना लेते हैं। अब एक और हथौड़ा फोड़ दिया है अर्णब गोस्वामी ने इन परमबीर सिंह जी के चेहरे पे, मुंह पे, सर पे। कैसे? सुनो भैया, बार्क को मेल किया, बार्क का रिस्पॉन्स आ चुका है कि भाई आपके खिलाफ तो कोई कार्यवाही थी नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, कोई फेक टीआरपी का चक्कर नहीं था। बार्क ने रिपब्लिक को क्लीन चिट दे दी। अर्णब गोस्वामी ने कहा कि भाई आप आके बोलिए, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं बोलेंगे। तो अर्णब गोस्वामी ने जो मेल आया उसका जिक्र करके खुलासा कर दिया है, अभी ईमेल की कॉपी नहीं रिलीज की है, लेकिन उसको अभी रोक रखा है। लेकिन यहां पे उन्होंने टीवी पे आके बहुत बड़ा खुलासा किया है और करारा तमाचा रख के दिया है इस परमबीर सिंह जी के खिलाफ, जो मतलब आप सोचो आईपीएस अफसर हैं, लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं मुंबई जैसी सिटी में, वहां पे अगर ये रह के इस तरह का काम कर रहे हैं, क्रिमिनल्स लोगों का साथ दे रहे हैं, बॉलीवुड जैसे जो कि किन किन चीजों में लिप्त हैं, ड्रग्स एंगल में उनके नाम आ रहे हैं, एनसीबी के पास उनके फोन जपते हैं, कैसे वो ड्रग्स के हैश एंड वीड करके ये चैट्स करते हैं, रिया चक्रवर्ती कैसे ड्रग्स का कंजम्पशन करती है, रिस्का भाई शोविक जेल में 21 गिरफ्तारी कर चुका है एनसीबी इस ड्रग्स केस में, और कह दिया है कि मुंबई जो है वो तो भैया केंद्र बिंदु है। तो क्या कर रहे हैं आईपीएस परमबीर जी, क्या कर रहे हैं? सिर्फ गुंडे लोगों का साथ दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों क्यों? ये बीएमसी कंगना की बिल्डिंग तोड़ता है, लेकिन दाऊद के गुर्गों की वहां पे जो बिल्डिंग है मुंबई महाराष्ट्र में, उसको आजकल आज तक तोड़ने की हिम्मत नहीं उनकी, आज तक हाथ नहीं लगा पाए ये बीएमसी वाले। लेकिन कंगना की बिल्डिंग को तोड़ने रातों रात एकदम एक्टिव हो जाते हैं और सुबह पहुंच जाते हैं, क्यों? संजय राउत जी के कहने पे, जो भैया बाद में उस कुणाल, जो भी नाम है उस घटिया आदमी का, उसके साथ बैठ के बुलडोजर का मॉक बना रहे। कैसे मॉक बना रहे? कंगना रावत का, ऐसे घटिया लोग, ऐसी घटिया मानसिकता के साथ जीते हुए लोग कैसे सत्ता में बैठ सकते हैं और न्याय दिलवा सकते हैं? अमित शाह जी ने बयान दिया है, अमित शाह जी से पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को लेके, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सिर्फ मामला सुशांत सिंह राजपूत का नहीं है, हमने सीबीआई नहीं की है, हमने मांग नहीं की थी, सुशांत के परिवार ने की थी, वहां की राज्य सरकार ने की थी, तब सीबीआई बैठी है, और ये सिर्फ सुशांत का मामला नहीं है, इस जगह कोई और भी होता तो भाई न्याय मिलना चाहिए। बाकी सीबीआई की क्या इन्वेस्टिगेशन रहती है, क्या नहीं रहती, वो आपको पता लग जाएगा, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बट आप ये चीज मान के चलो कि
निर्णय एकदम जस्टिस फॉर एसएसआर के हक में ही जाना है। यहां पे सीबीआई ये बोल ही नहीं सकती जब पूरा भारत आवाज उठा रहा है। तो सीबीआई, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनको सीबीआई डायरेक्ट रिपोर्ट करती है, वो कभी बैक पीछे जनता के चेहरे पे लात मारने की कोशिश नहीं करेंगे भारत के प्रधानमंत्री, आप मान के चलो। देखो, महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल की मांग हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीआईएल लगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मामले हमारे पास लेके मत आओ, इसके लिए हम नहीं बैठे, आपको अगर है प्रेसिडेंट के पास जाओ, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन देखो ये गुंडागर्दी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्योंकि जब लॉयर ने कहा कि भाई कंगना रानावत की बिल्डिंग को तोड़ देना, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो जाना, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे कहता है सुशांत सिंह राजपूत एक बॉलीवुड के किसी एक्टर की मौत हो गई तो इसके लिए क्या प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे? एक लड़की, एक अभिनेत्री का घर तोड़ दिया तो क्या प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे? तो इन्होंने कहा है भाई चीफ मिनिस्टर पूरे महाराष्ट्र को देखते हैं, सिर्फ मुंबई में अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसके लिए प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा, आप यहां पे मत आओ, हमारा टाइम वेस्ट मत करो, अगर आपको जाना है प्रेसिडेंट के पास जाओ। देखो सही है उनकी बात। अब यहां पे समझने वाली चीज ये है, जो मुंबई में बैठी हुई ये सरकार कर रही है वो गलत है, वो सही नहीं है, इनको अच्छे से सारी बात रखनी चाहिए थी, ये नहीं रखे, लॉयर ने नहीं रखी, इनको सारी चीजें रखनी चाहिए थी। एक न्यूज चैनल की आवाज को रोकना जो सच के लिए मांग कर रहा है वो गलत है, प्रिविलेज मोशन लाना, अपने अधिकार का गलत फायदा उठाना, ये गलत है। जो सुशांत के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके अकाउंट्स बैन करवाना, उनके खिलाफ कार्यवाही करना, उनको उनके घर से उठा के ले जाना गलत है। तो भाई ये क्यों हो रहा है? क्यों व्यक्ति को आजादी नहीं है अपनी आवाज, अपनी बात रखने की? अगर ये महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस ऐसी है तो भाई प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? अब इन लॉयर ने नहीं रखी अच्छे से बात, वो उनका विषय है, बट महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो सही नहीं है, जिस तरह से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं वो गलत है, तो भाई प्रेसिडेंट रूल तो लगना चाहिए, लगना चाहिए महाराष्ट्र में। देखो दोस्तों, ये तो आप मान के चलो, सच को छुपाया नहीं जा सकता, झुटलाया नहीं जा सकता, ये कितना ही चीख चीख के ये कोशिश कर ले अपने पीआर के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मुंबई पुलिस घर से उठा उठा के गिरफ्तार कर ले, लेकिन सच को नहीं छुपा सकती, ये कितना ही कर ले, लेकिन भारत की पब्लिक निकल के आएगी, जस्टिस की मांग करेगी, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलना चाहिए, और सुशांत सिंह राजपूत के जैसे जितनों को भी इन्होंने मारा है सबको जस्टिस मिलना चाहिए, जिया खान को जस्टिस मिलना चाहिए, श्री देवी को जस्टिस मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। भाई ये क्या हो रहा है इस देश में, ये बॉलीवुड क्या कर रहा है? यूटर्न ले लिया ना, अर्णब गोस्वामी के खिलाफ गए थे, जैसे ही पता लगा भैया गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, तो सबके खिलाफ हो गए, लॉयर चेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि ये बॉलीवुड डर चुका है, कोई साथ नहीं है, ये 38 लिस्ट है ना, बाकी बॉलीवुड कैसे बोलने लग गया बाकी के कि भाई अर्णब से पंगा लेना गलत है, समझ में आ गया? तो भाई ये 38 लोगों ने कैसे, मतलब आप समझ गए कि इनको समझ में आ गया, इन्होंने भैया खुद ही के, मतलब अपने हाथ से खुद के ही गाल पे थप्पड़ मारने का काम किया और कुछ नहीं किया। अभी तो आप देखते चलो, ये इंडिया की पब्लिक इस बॉलीवुड को बॉयकॉट करेगी, और ये सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, और ये कौन है, सोनम कपूर, जो अपने आप को बहुत बड़ी अदाकारा समझती है, कुछ नहीं है, ओवर एक्टिंग की दुकान है, इसका कैरियर नहीं है बॉलीवुड में, ये बॉलीवुड के लायक भी नहीं है, लेकिन नेपो किड है, इस वजह से इस बॉलीवुड में बैठी है, बाकी तो कब का उठा के फेंक देती पब्लिक इसे, और इवन फेंक चुकी है, लेकिन तब भी आ जाती है, क्यों? क्योंकि एक नेपो किड है। तो ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए बॉलीवुड में, ऐसे 50-55 वर्ष के गुंडे बुढ़े नहीं चाहिए हमें, हम नहीं इनको देखेंगे। लक्ष्मी बॉम्ब बॉयकॉट होगी, राधे मूवी बॉयकॉट होगी, आप ये सोच के बैठो कि भारत की पब्लिक को मूर्ख बना दोगे, इमोशनल ब्लैकमेल कर लोगे, नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते, जाग चुकी है। सुशांत की मृत्यु, होता है ना, सुना है ना आपने कि कुछ लोगों का जन्म सिर्फ बदलाव लाने के लिए होता है, सिर्फ बदलाव लाने के लिए, सुशांत सिंह राजपूत एक वही शख्सियत थे, इस वजह से ज्यादा उम्र नहीं जिए, बदलाव लाने के लिए इस धरती पे आए थे, और अब वो जा चुके हैं, और ये बदलाव का मतलब मैं आपको बोल रहा हूं आगाज हो चुका है, और रुकना नहीं है दोस्तों, क्योंकि सुशांत की मृत्यु ये बदलाव की एक मिसाल है, जो आगे तक जाएगी, ये बॉलीवुड और ये गंदे मीडिया चैनल्स बॉयकॉट होंगे, ये मीडिया चैनल्स भी जो भाई आज कैसे कूद पड़े, रजत शर्मा जी कैसे कूद पड़े थे, रिपब्लिक का नाम था तो, लेकिन जैसे ही रिपब्लिक टीवी ने एक्सपोज कर दिया परमवीर सिंह जी को, तो अब ये मीडिया चैनल इनका इंटरव्यू ले,
तब तो बड़े ले रहे थे, अब इंटरव्यू ले भाई लो, इंडिया टुडे भाई लो, तब तो बड़ा ले रहे थे, जब आपकी स्कैम आया तो कैसे चुप्पी आ गई। तो 5 लाख का जुर्माना लगाया ना इस इंडिया टुडे को इसी वजह से कि भाई कैसे ग्रोथ हो गई, बार्क ने जुर्माना लगाया है 5 लाख का, इनको दिक्कत हो गई कि भैया बार्क ने कैसे रिवील कर दी। दिक्कत हो गई, ये बोलता है हम केस करेंगे बार्क के ऊपर कि भैया ये तो हमारे और आपसी बीच की वो थी ना कि मैंने चोरी की, आपने मेरी चोरी कैसे पब्लिक कर दी, मैं केस करूंगा आप पे। अरे भैया चोरी ऊपर से सीना चोरी है, किसको मूर्ख बना रहे हो, भारत की पब्लिक को? जाग चुकी है, समझ चुकी है भारत की पब्लिक, समझ चुकी है अच्छे से, वो अच्छे से जानती है। यूट्यूब आजकल हर जना देख रहा है, हर जना सब देखते हैं किसको कितने लाइव व्यूज है, किसको कितने, कौन पानी में और कौन आसमान में, सबको दिख रहा है। तो भाई ये मूर्ख बनाना बंद करो बॉलीवुड वालों, अब चलते बनो, अब आपकी दाल निगलनी यहाँ पे, अब भारत की पब्लिक जाग चुकी है, आप जैसों को तो घास भी नहीं डालेगी। गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, आप इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।